हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसानों के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं संचालित करने वाली सरकारों के दावों की पोल आए दिन खुलती रहती है। कभी अन्नदाता की आत्महत्या तो कभी उसे जिस समयरदस्ती जमीन से बेदखल करने की घटनाएं सरकारी दावों की हकीकत बयां करते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों जयपुर और हो रहा है। शहर के नजदीक स्थित नींदड़ गांव और 3 दिनों से 21 किसान जमीन और आधे दबे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों पर इसका कोई फर्क नहीं है। दरअसल इस गांव की करीब 1,350 बीघा जमीन पर जयपुर विकास प्राधिकरण नई कॉलोनी बनाने जा रहा है, लेकिन यहां के किसानों का कहना है कि वह हमें जमीन नहीं देना चाहते हैं। विरोध स्वरूप बीते 3 दिनों से यहां के किसान जमीन समाधि सत्याग्रह कर रहे हैं। गड्ढों और आधे दबे किसान भूखे कर विरोध जता रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी सरकारी नुमाइंदा इन किसानों से बात करने नहीं पहुंचा है। पुरुष किसानों के साथ महिला किसान भी अब इस सत्याग्रह और सम्मिलित हो गई है। दरअसल जयपुर विकास प्राधिकरण 1,350 बीघा जमीन और से करीब 500 बीघा जमीन अवाप्त कर चुका है, जिस समय की 700 बीघा से अधिक जमीन पर उसे कब्जा लेना बाकी है। लेकिन किसानों के विरोध के चलते अवाप्ति की कार्रवाई मुश्किल लग रही है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।